दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे पॉन्डिचेरी T20 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा बुल्स वर्सेस टाइगर्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में आप एक क्लीन स्वीप ही करा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर जुड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अब बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में साई सत्विक का सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब साई सत्विक के बारे में बात करें तो नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। लास्ट ओवर में 14 रन पे आउट हो गए थे, उससे पहले 6 रन इन्होंने करे, फिर 7 रन करे और 11 रन करे। अगर आप इनके रीसेंट के 5 से 6 मैचेस को छोड़ दोगे ना, तो उससे पहले इनके रिकॉर्ड अच्छे रहे दोस्तों और फॉर्म भी अच्छी रही थी। पॉन्डिचेरी T10 की स्टार्टिंग मैचेस में भी देखा होगा, जहाँ टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे वहाँ पर अच्छा कर रहे थे, तो मुझे लगता है इनको ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो। बाकी सुनील आपको नंबर 4 बैटिंग करेंगे, सेम लास्ट ओवर में 49 रन इन्होंने करे, उससे पहले 1 रन इन्होंने करे थे, लेकिन पॉन्डिचेरी T10 में एवरेज इनका परफॉर्मेंस रहा था दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पे एन कुमार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा, इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल अगर विकेट कीपर में देखें तो मैं साई सत्विक को रखूँगा, आप सेफ ऑप्शन बिश्नोई के साथ जा सकते हैं। बैटिंग में बात करें, राममूर्ति एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, ओपन करेंगे, लास्ट रन में 21 रन करे, उससे पहले 0 पे आउट हो गए थे, फिर 20 रन इन्होंने करे थे, 3 रन इन्होंने करे और 35 रन करे। पॉन्डिचेरी T10 में रिकॉर्ड भी अच्छा रहा था और वहाँ फॉर्म भी अच्छी रही थी, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शिवा मुर्गन के बारे में बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, तो यार वैसे तो नंबर 5 पे खेल लेते हैं, लेकिन लास्ट मैच में तो नंबर 7 के आसपास आए थे और वहाँ पे सिर्फ 1 रन करे थे, उससे पहले 38 रन इन्होंने करे, 16 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, 28 रन इन्होंने करे और 18 रन इन्होंने करे। इनकी भी फॉर्म अच्छी रही है, हार्ड हिटर बैट्समैन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है आराम से खेलते, टाइमिंग के साथ खेलते तो रन बना के दे सकते, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। दोस्तों बी रावत का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 5 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, लास्ट ओवर में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले वाले मैच में भी 0 पे आउट हो गए और फिर 7 रन करे थे, तो इतनी फॉर्म मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे कार्तिक राजा के बारे में बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, किस टाइप का परफॉर्मेंस रहने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, नंबर 3 बैटिंग करेंगे, लास्ट ओवर में 7 रन करे, उससे पहले 1 रन करे, फिर 0 रन करे, 9 रन करे, 12 रन करे, तो बैटिंग से कुछ खास फॉर्म नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी बॉलिंग करवा लेते हैं तो ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एन खान के बारे में बात करें, नंबर 6 बैटिंग करेंगे, लास्ट ओवर में 19 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 13 रन इन्होंने करे, फिर 34 रन इन्होंने करे और 46 रन करे थे दोस्तों। एज ए फिनिशर के रूप में खेलते तो पहले बैटिंग में आप इनको रख सकते हो, अभी तो मैं नहीं रख रहा, टॉस के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा किसकी टीम पहले बैटिंग कर रही है बॉलिंग, फिर इनको मैं रखने का सोचूंगा। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें परख के बारे में, अगर इनका बैटिंग ऑर्डर हम देखते हैं किस नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं, तो नंबर 5 बैटिंग करते, लास्ट ओवर में 25 रन इन्होंने करे, उससे पहले 6 रन करे, फिर 15 रन करे, 6 रन करे और 68 रन करे। पॉन्डिचेरी T10 अगर देखोगे तो अच्छा गया था इनका, सिलेक्शन कम है लेकिन मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। इनके अलावा सक्सेना का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं सक्सेना के, तो नंबर 6 बैटिंग करेंगे, लास्ट ओवर में 5 रन इन्होंने करे, उससे पहले 1 रन करे, 0 रन करे, तो फॉर्म मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। इनके अलावा जे पांडे का भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, ओपन करेंगे, लास्ट ओवर में 1 रन करे, उससे पहले 10 रन इन्होंने करे थे, फिर 34 रन इन्होंने करे, 8 रन करे, 0 रन करे, तो बैटिंग से मुझे कुछ खास फॉर्म नहीं लगी, बॉलिंग भी करवा लेते कई बार तो आप ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा जी श्रीनिवास का आपके पास ऑप्शन होने वाला है,
नंबर तीन बैटिंग करेंगे। लास्ट ओवर में तो हालांकि एक ही रन पे आउट हो गए थे दोस्तों, उससे पहले अगर मैं बात करूँ दो रन इन्होंने करे, फिर अगेन दो रन करे, फिर 21 रन करे। ऐसे प्लेयर है, सरप्राइज आप इनको बोल सकते हो कि कभी भी चल के आपको सरप्राइज दे सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करिएगा। फिलहाल तीन हमारे बैट्समैन रहने वाले हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर के बारे में बात करें, जांगी तो खेल नहीं रहे, खेलते तो इम्पोर्टेंट है, बैटिंग ऑर्डर नंबर 6-7 रहेगा, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी रहती है। सिराज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, लास्ट ओवर में 4 विकेट निकाले थे, रीसेंट के 5 मैचेस में 6 विकेट निकाले, इंपॉर्टेंट तो हो जाते हैं खासकर पहले बॉलिंग में, क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग करवा लेते हैं। इनके अलावा यहाँ पे सुधागर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। बैटिंग ऑर्डर ओपन करेंगे, लास्ट ओवर में 55 रन करे, उससे पहले 9 रन करे, फिर 12 रन इन्होंने करे, 1 रन इन्होंने करे और 13 रन करे। बॉलिंग रीसेंट में करवा नहीं रहे, बैटिंग से एक मैच में चलते तो 3 मैच में फ्लॉप हो जाते, इसलिए मैं इनको अभी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। संजय चड्ढा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का रहेगा, आपको रखना है नहीं रखना, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं जिनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो दोस्तों। हालांकि बैटिंग ऑर्डर जो रहेगा बैटिंग ऑर्डर जो रहेगा वो आपको नीचे नज़र आएगा, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी है। रीसेंट के 5 मैचेस में 6 विकेट इन्होंने निकाले, और पौंडीचेरी T10 में आपने देखा होगा ये बैटिंग भी कर सकती है, तो बैटिंग आती है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे कमलेश्वरन के बारे में बात करें, बैटिंग बॉलिंग आपको करके देंगे, नंबर 5 बैटिंग करते प्लस बॉलिंग करते, लास्ट ओवर में 15 रन करे, उससे पहले 22 रन करे, 21 रन करे, 10 रन करे, 13 रन करे। रीसेंट के 5 मैच देखोगे तो 4 में बॉलिंग करवाते पे 4 ही विकेट निकाले, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। इनके अलावा ए आनंद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें इनका किस टाइप का रहेगा, ओपन करेंगे, लास्ट ओवर में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले 13 रन इन्होंने करे, फिर एक 135 रन की डोमेस्टिक में अच्छी इनिंग खेली थी, 19 रन इन्होंने करे थे और 4 रन करे। आप चाहो तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। आर यादव का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। बैटिंग ऑर्डर तो काफ़ी नीचे रहेगा, बॉलिंग से देखो तो रीसेंट के 5 मैचेस में 8 विकेट निकाले, और विकेट टेकर बॉलर भी आप बोल सकते हो, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। परखे के बारे में अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में आपको बैटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं इनके दोस्तों, तो बैटिंग ऑर्डर आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आ सकता है, और बॉलिंग के बारे में अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो बॉलिंग का कोई अता पता नहीं रहता। बाकी आप ट्राई ज़रूर इनको कर सकते हो। इनकी फॉर्म के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ओवर में 1 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 55 रन करे, फिर 10 रन करे, 1 रन करे और 31 रन करे थे। इनके अलावा कोई खास ऑप्शन नहीं है, मैं 4 ऑलराउंडर के साथ चल रहा हूँ। वहीं बॉलिंग के बारे में बात करें, राजा गोपाल का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। ओपन डेट में बॉलिंग करवाते, लास्ट ओवर में 2 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस में लगातार विकेट निकालते हुए आ रहे हैं दोस्तों, और 11 विकेट निकाले हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके अलावा नित्या का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले थे, रीसेंट के 5 मैचेस देखोगे तो 8 विकेट इन्होंने निकाले, ये भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। सुरेश मौर्य के बारे में बात करें, ओपन में भी बॉलिंग करवा लेते हैं, लास्ट ओवर में 2 विकेट निकाले। वहीं रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें तो 5 ही विकेट इन्होंने निकाले। भूषण लास्ट मैच खेले नहीं, खेलते तो इम्पोर्टेंट है, स्पिन बॉलिंग करवाएंगे और विकेट टेकर बॉलर है। इनके अलावा शंकर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। लास्ट ओवर में 3 ओवर डाले, हालांकि विकेट नहीं मिला। रीसेंट के 4 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट अभी तक इनको मिला है। इनके अलावा पी हजारे का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले और रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले, पहले बॉलिंग में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी फिलहाल यहाँ से मैं सुरेश मौर्य के ऊपर रिस्क लेके चल रहा हूँ। अभी कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, देखो अगर आप देखोगे तो वैसे लोग आर यादव को कर रहे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस मैच में मैं जिनको कैप्टन करूंगा वो करूंगा दोस्तों कमलेश्वरन को, क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग करके देंगे, और वाइस कैप्टन मेरे राजा गोपाल रहेंगे क्योंकि लगातार विकेट निकालते हुए आ रहे हैं। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।